आप सबदा धन्नवाद। तुसीं मेरे बहुत छोटे जे सद्दे ते मैं हुणी हिमाचल तो अज चोन प्रचार उत्थे खत्म होया। मेरी ड्यूटी लाई गई सी पार्टी वालों खत्म करते मैं इत्थे पहुंचिया। इस हल्के ने मैनू बेशुमार प्यार दिता जी, कोई उसकी कीमत नहीं। तुसीं सब ने विधायक बना के भेजिया ते थोड़े प्यार सदका मैं पंजाब का सब तो नौजवान मंत्री बनिया। मेरे चित विच भी नहीं सी कदी कि मैं कदी माइनिंग मंत्री बन जूंगा, पर मेरी पार्टी ने मेरी इमानदारी देखते दे हुए मैनू ये महकमा दिता। तो मैनू जो महकमा मिलया तो मैं गल्लां अज पंजाब दे लई नहीं, मेरे अपने हल्के दे लई है। तो जे थानू मैं बेनती करूँगा सारे, जे थानू लगता है कि मेरी गल्लां सच्चियां तेनू जरूर पहुँचायो लोगों तक। यो महकमा सीगा जिथे 100% लुट कसुट जिहड़ा मर्जी जितया होवे महीने ले जांदे सी। ते विद ड्यू रिगार्ड माफ़ करियो जी, यानी तुसी हो सकता इहदा गुस्सा भी करो पर मैं सारिआं नूं नहीं कहिंदा। कुछ पत्रकार भी इनवॉल्व सी, सरपंच भी इनवॉल्व सी, पुलिस भी इनवॉल्व सी, हारे MLA जिते MLA मंत्री स्पीकर मुख सारा, यानी धुर तो लैके उत्तों तक इदां दा महकमा मिलिया सी। मैं उदों दा कहा सी कि मेरी कोशिश है कि माइनिंग माफिया नूं माफिया खत्म करके माइनिंग इंडस्ट्री कर दूं। जी जान मेहनत कीती जी, जेड़े बंदे माइनिंग अफसर करप्ट सीगे, चाहे रोपड़ वाला पठानकोट, क्योंकि माइनिंग के दो ही हब ने रोपड़ ते दूजा पठानकोट, दोनों सस्पेंड करते। पंजाब दा सब तो ईमानदार IAS अफसर जिस नाल कोई अज के इतिहास तक कोई मंत्री उहदे नाल काम नहीं करना चाहता, मैं उन्हों मंग के लैके आया अपने मुख्यमंत्री तो कृष्ण कुमार जी, वो लैके आया। जे नीयत साफ सी तां लैके आया। असी दिन रात मेहनत करके अज तक क्रशर वाले भी परेशान सी, हर बंदा उन्होंने तंग करते, क्रशर पॉलिसी बनाती जी। पहला क्रशर वाले सिर्फ 10,000 रुपये देना पैंदा सी, हुण क्रशर की रजिस्ट्रेशन लिए 1,00,000 रुपया लगता, हर क्रशर वाले तो 5,00,000 सिक्योरिटी लैती। ताई अगे तो क्रशर वाले मौजा करते, हुण पहली बारी होया होगा कि आनंदपुर साहब के MLA दे नूं धमकी मिली कि क्रशर वाले उहदे घर के बाहर आके धरना लाएंगे। कभी सुनिया सी 5,00,000 उन्होंने सिक्योरिटी लै ली, ताकि जे कोई भी गलत किस्ता, वह भी साढ़े हल्के दे लोग है। एक नंबर च लीगल माइनिंग हो रही, इहदा अंकड़ा भलान दे विच पिछले 10 दिनों दे विच 11,35,764 फुट 11,35,764 क्यूबिक फिट माइनिंग हुई है, जिदे विचों पंजाब सरकार नूं करीबन 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार दे खाते दे विच, ते पंचायत दे खाते दा जिहड़ा 22,05,71 रुपया पिया। इसे पिंड दे चिराग नूं लुट के खा के कदी पिंड नूं 1 रुपया मिलिया होवे। ते एक महीना होर चलनी सी माइनिंग, EC दी साइट है, EC अप्रूवल है, CR तो लिया होया सब कुछ, एक महीने दे विच इत्थे क्वांटिटी पूरी हो जानी सी। जदों क्वांटिटी पूरी हो जानी सी माइनिंग बंद हो जानी सी। जे अगर वह पूरी क्वांटिटी होंदी तां पहली वारी पिंड नूं 1 करोड़ रुपये तो वध मिलना सी। सारा पिंड फैसला करता, जे पिंड फैसला करता जी हस्पताल ते ला दो हस्पताल ते ला देना सी, पिंड फैसला करता जी स्कूल ते ला दो स्कूल ते ला देना सी, पिंड फैसला करता नहीं जी गरीब पिंड आ सारे पिंड च वस दो, एक एक घर नूं 25-25, 30,000 रुपया आना सी। अज भी 22,00,000 रुपया हैगा उन्हां दा ड्यू है पिंड दा, वह देख लैन किवें वंडना। इस तो अलावा वातावरण फंड चों असीं स्कूल ठीक कराना सी, सड़कां ठीक कराणियां सी, क्लब नूं पैसे देने सी जो मैं वादा कीता सी, पर नहीं जी वो लोग गुमराह करदे ने। मेरी अज भी बेनती है कि ग्राम सभा बुलाओ अपने पिंड की, आ सिर्फ जेडे 2-4 मोहरे लगे इन्हां ते ना, तुसीं ग्राम सभा बुलाओ, ग्राम सभा दे विच लिख के दे देवे सारा पिंड जी सानू माइनिंग नहीं करनी, मेरी जिम्मेदारी मैं माइनिंग नहीं होंगी, मेरा लक है, पर ग्राम सभा बुलावे। पर फिर हाँ नाल ये भी लिख लियो कि साढ़े पिंड दे विच कोई मिस्त्री नहीं रहिंदा, साढ़े पिंड च कोई मजदूर नहीं रहिंदा, ये भी लिख लियो नाल, जेडे विरोध करते उत्थे जाके वह भी एफीडेविट देन, सौ खान जाके गुरु करके असीं अज तो बाद कभी रेता बजरी नहीं वरतांगे, सौ खान कितों तो आऊगा रेता बजरी, साडे इलाके दे विच होर कोई ताकत ही है नहीं। मैं चाहता सी 1 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आवे, साढ़े कुछ इंडस्ट्रियां लगन, वो ही पैसा पिंडां नूं लगे, पहली बार 22,00,000 रुपये तो अज तो पहला पैसा कितने जाता सी दसन, यही पंचायत दसे कि जिहड़ियां चिरागां पटतियां ये पैसा कितने गया। हरजोत बैंस का 22,00,000 रुपया पिंड का ड्यू है, पिंड ग्राम सभा बुलावे फैसला करे, जो पिंड कहूगा जी 1-1 घर च वंड दो, 1-1 घर च वंडूंगा पैसा। पर बिल्कुल वो लोग ने उन्हां दी फेसबुक कढ के देख लो जी, 6 महीने च इक्को ही काम है कि हरजोत बैंस नूं बदनाम करो, हरजोत बैंस नूं बदनाम, हर तरह का गलत काम करते हैं हर सिर फाड़े। फिर भी असीं बेनती करते हैं कि पुलिस ना एक्शन लवे, कि नहीं अपने लोग है,
पर इस करके बेनती है जी ती जो मर्जी कर लो, असी इमानदारी काम कर रहे हैं। तो आप सब के माध्यम के नाल मैं ही बेनती, क्योंकि कुछ तथ्य है लोगों को दसने जरूरी सी। आ मेरा रिकॉर्ड है जी, एक साल बाद साड़ा रेवेन्यू भी पता लग जूगा। तो हाँ, सारे पिंडों को बेनती है, जे किसी पिंड की जमीन आती है, क्योंकि साढ़े को कुछ नहीं, साढ़े को पत्थर है, पंजाब के सिर्फ दो जगह पत्थर। हूँ तो मैं माइनिंग मंत्री हूँ, मैं पता लग गया सिर्फ पठानकोट को पत्थर है या आनंदपुर साहब को पत्थर है। एक कुदरती स्रोत सानू मिले। कहिंदे जी पानी मुक जाना, वो तो मुकदा जो 150-150 फुट थले जाके माइनिंग करते। जे डीसिल्टिंग नहीं होगी हड़ा आने के खतरे, 2019 च हड़ इसी करके आया। जे डीसिल्टिंग नहीं होगी दरिया अपना रुख बदल लूगा। मैं वाटर की चार्ज पॉइंट बना लेंदा, कोई साइंटिस्ट का ये दे कि कोई वातावरण प्रेमी उन्होंने असी अपने महकमे तो पैसे देवे और रिसर्च कर लवे। जे कोई इदा की रिसर्च आ जाती है तो भी मैं बंद करने को तैयार हाँ। असी हूँ भी वाटर रिचार्ज पॉइंट के उत्ते काम शुरू करते, दरिया के कंढे समां के कंढे असी वाटर रिचार्ज पॉइंट बनावे, ताकि जो वाटर ये सारे काम असी कर रहे हैं। पर सिर्फ एजेंडा अपना के हाँ, तो उन्होंने जे थानू परसनल है तो मैं उदा ही गाला कढ़ लिया करूँ, मैं कहड़ा कुछ कहना, मैं सीधा ही कढ़ लिया करूँ मैनू गाला। पर लोगों को ना परेशान करो, लोगों को गुमराह ना करो, साडे हल्के का नुकसान ना करो। असी मरते पे इतने नवी इंडस्ट्री लैके आने लिए, असी कितों नौकरियां देिए उन्होंने, असी जी जान ना लगे हैं। हाँ, बेईमान होवां मैनू छड्डो ना, जे बेईमान मैनू छड्डो ना। इस करके गल्लां सी जी, तो मेरी बेनती है भलान पिंड के सारे पिंड वासियों अपनी ग्राम सभा बुलाओ, अपना फैसला लैन। एक तो 22 लाख रुपया उन्हों का ड्यू पिया मेरे वल, वो उन्हों की अमानत है जिथे कहे। इस तो अलावा मिनरल फंड के भी कुछ पैसे, चंगे पैसे उन्होंने हस्पताल से लवाने हस्पताल से लवा लैन, स्कूल से लवाने स्कूल से लवा लैन, ये उन्हों का फैसला। पर पिंड ग्राम सभा बनावे ताकि सानू पता लगे कि भला उत्थे जाके होर पिंडां दे लोग दसते हैं जी, होर जाके बंदे बोलते हैं। पहला वो बंदे जो बोलते हैं आके एफीडेविट देन कि जिंदगी कभी भी रेता बजरी नहीं वरतणगे, कभी भी कभी भी। इस करके आप सब का बहुत धन्यवाद जी। परमात्मा एक दिन इधर अपने आप नशर कर जिहड़े चैनल बनाए है ना, सौखा तरीका दसदा, वह चैनल खोल लो, उन्हां दी इक्को खबर मिलूगी। हरजोत बैंस के खिलाफ कोई टीचर का ना लैना वो चला, जदों टीचर पक्के किते वह नहीं चलाया। इस धरती तो जो इतिहासिक फैसला होया, बड़ा सौखा तरीका दसदा, उन्होंने पेज खोल लो। सानू जदों टीचर पक्के होए इस धरती पर, जो इतिहासिक वो नहीं चलाया, चार टीचर आएंगे वो धरना लाइव चलूगा, चार बंदे इकट्ठे अज भी तुसीं कितें भी कह दो जदी आ जांदे। सर हुण डीसी दे नूं धमकी मिली कि क्रशर वाले उहदे घर दे बाहर आ के धरना लाणगे, कदी सुणिया सी? 5 लाख उन्हां ते सिक्योरिटी लै ली, ताकि जे कोई भी गलत करूगा सिक्योरिटी जब्त कर दूंगा। उन्हां दे मीटरां दे नाल उन्हां दी रिटर्न जोड़ती, जिनी बिजली फूकणगे उत्थों पता लग जूगा, उन्ना उन्होंने रेवेन्यू लेना पैना। 1 रुपया क्यूबिक फुट हर क्रशर के उत्ते वातावरण टैक्स लाता, ताकि जिहड़ा वातावरण नुकसान हो भी 1 रुपये क्यूबिक फिट ना हो जाए। वादा करता सीगा, देश की बेस्ट पॉलिसी बनाती। पिछले 10 दिन 1 नवंबर तो लैके 10 नवंबर तक पंजाब सरकार 22 करोड़ रुपया होया, 22 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया डेली आ रहा जी। इस आंकड़े नाल असी देश की नंबर 1 स्टेट बनांगे रेवेन्यू के नाल। अगर इस आंकड़े नाल तेलंगना की मिसाल देंदे सी पहला कई कांग्रेसी लीडर, तेलंगना तो वध रेवेन्यू। अज एक साइट अगे इस हल्के दे विच लीडरां दी जवाई दी साइट चलती रही, किसी ने कभी कोई धरना नहीं दिता, लुट के खा गए। 100-100 फुट थले तक जाके माइनिंग हुंदी सी, कोई नहीं बोलिया। अज जो लीगल माइनिंग हो रही, जो किसी कोई ठेकेदार नहीं माइनिंग कर रहा, पंजाब सरकार माइनिंग कर रही है, 45 नंबर 1 ते आया पूरे देश दे विच। जो लीगल माइनिंग हो रही तो तकलीफ होगी। आ डाटा है जी, आ 2021 ही भलान की पंचायत है जिहड़ी कहिंदी कि साडे इत्थे जी डीसिल्टिंग करो। क्यों? उदों इन्हां लोकां नूं पैसे मिलते सी,
उदो इन्हों ब्लैकमेलर पैसे मिलते सी, अज तकलीफ यह है कि हरजोत पैंस ना खांदा ना किसी को खान दूंगा, तकलीफ यह है। तुसी सारे लोकल हो जी, पुछ के देख लियो किसी क्रशर वाले जो किसी को चाह भी पीती हो, पुछ के पहला भी है पुछ के देख लियो, जिथे कहोगे जानू तैयार, जेड़ा मर्जी टेस्ट करा लो, लाई डिटेक्टर करा लो, जिथे मर्जी गुरु घर लै जाओ, मंदिर लै जाओ, पर ईमानदारी काम तक कर दो। एक बच्ची का मैनू फोन आया जी, मेरा सुन के मेरे अखा चो हंजू आ गए। बच्ची कहती जी 6 दिन हो गए मेरा प्यो मिस्त्री आ जी, उन्होंने दिहाड़ी नहीं मिली जी, जे 3-4 दिन दिहाड़ी होर नहीं मिली तो साढ़े घर रोटी नहीं पकूगी। मैं क्या बेटा की कहती जी, उन्होंने इस करके दिहाड़ी में जी रेता बजरी है नहीं साढ़े इलाके का ही, साढ़े कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, इको इंडस्ट्री बना लगा सी, क्रशर इंडस्ट्री इतने बना लगा सी, लोगों को रोज़गार मिले, साढ़े इलाके का नौजवान मुंडा मैं मिलया, कट के देख लो जी 6 महीने च इको ही काम है कि हरजोत मैं इसको बदनाम करो, हरजोत मैं इसको बदनाम, हर तरह का गलत काम करते हैं हर तरह का, तो मैं जिथे मर्जी लै जाओ कोई गलत काम नहीं करता, पर हाँ ना खाऊंगा ना खा दूंगा, थोनू पैसे नहीं बनन दूंगा, पंजाब सरकार का खजाना भरूंगा, मैं अपने इलाके प्रति वफादार है, जे मेरे लोग कह देंगे पूरा पिंड इकट्ठा, पर सिर्फ 3-4 जे अगे है उन्होंने नहीं, पिंड ग्राम सभा बुलावे, पिंड ग्राम सभा बुलावे, पिंड कह दे भी नहीं अस लिख के अगे भेज देंगे कि नहीं पिंड ने मना करता जी, सारे पिंड ने ये चीज़ा ने जी, धरना लाता जी, रोड बंद करता, रोड बंद करना कि नुकसान है जी, साडा इलाका ही परेशान है, अगे नंगल फ्लाईओवर बनता पिया वो लाता जी, की मनशावान ने जी, एक जगह जाके बह जाते उत्थे होर गल करते, दूजी जगह होर गल करते, जो इतने लुट होंगी सी उदो क्यों नहीं धरने लाते, बस अज इन्नी गल है कि हाँ हरजोत मैंस ने पर्चिया की राजनीति नहीं करनी, इस करके मेरा कसूर इन्ना कि इतने शरीफ SHO लाते, असं इतने पुलिस की धक्काशाही बंद करती, इन्ना ही कसूर है साडा, ईमानदारी काम करते हैं, कोई बंदा कह दे आके जी सवेर तो लैके रात के 12-1 बज जाते हैं, जो तुम मंत्री बनाए थोड़े करके स्कूलों से जाता, जेलों की सफाई करते पे, माइनिंग में मेरा रिकॉर्ड बोलना सी 1.5 साल बाद, जे अगर इतने वाकई पूरे देश का सब तो वध रेवेन्यू आ जाए अपने पता लग जाए लोगों को कि हरजोत मैं सच बोलता कि झूठ बोलता, ये तो आंकड़े है ना, मैं पलों तो नहीं पंजाब सरकार की जेब 1,000 करोड़ पा सकता, ये गल्लां ने जी। इस करके मेरी बेनती है साढ़े इलाके कोई इंडस्ट्री नहीं हैगी, अज पंजाब बहुत परेशान है रेता वजह, असी रोज़ लड़ाई लड़ते उन्होंने ठेकेदार प्रति, कभी सानू कोर्ट परेशान करती है, हर पासों असी रोज़ लड़ाई करते हैं, एक पासे साड़ी ड्यूटी है कि पंजाब दे विच रेता बजरी दे साढ़े इलाके दे विच इतनी महंगी है, दूजे पासे मेरी यह भी ड्यूटी है कि पंजाब सरकार का खजाना भरना, मैं अपने मुख्यमंत्री नूं वादा किया मैं 2 साल दे दो 1,000 रुपये वाले जिहड़े महिलावां 1,000 रुपये देना मैं अपने माइनिंग बैंक में दूंगा, ये मैं अपने मुख्यमंत्री नूं वादा किया, जे ईमानदार हां तां वादा किया, कित्थे जाण हुण उस बच्ची नूं मैं की जवाब देवां, उस जिहड़ा मेरा वीर है उहदा की कसूर है, उहदी साडे कोल होर कोई इंडस्ट्री है नहीं जी, इको इंडस्ट्री असीं इहनूं बना रहे हां, असीं ईमानदारी नाल काम करना चाहते हैं,